और सबसे पहले बात ग्रीन सिटी के तौर पर डेवलप हो रही इंदौर की। इंदौर ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में 11 लाख पौधे रोपकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी बनने के अभियान में जुट गया है। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर अभियान की तारीफ की है। गृह मंत्री अमित शाह अभियान में शामिल होने के लिए खुद इंदौर पहुंचे। क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी भी बनेगा। स्वच्छता में नंबर वन इंदौर हरियाली के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है और इसके लिए 11 लाख पौधे रोपे जा रहे हैं। इस अभियान में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री ने पितरेश्वर हनुमान धाम में पौधारोपण किया। संतों ने 11,000 पौधे रोपकर अभियान का शुभारंभ किया था और आज सांवेर रोड की रेवती पहाड़ी पर 11 लाख पौधे रोपकर अभियान का औपचारिक समापन हो रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब 100 प्रतिनिधि अभियान की निगरानी के लिए पहुंचे। इससे पहले एक दिन में 9.25 लाख पौधे रोपकर असम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रेवती पहाड़ी पर करीब 90 एकड़ क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री ने प्रदेश के 29 सीटें जीतने के लिए एमपी की जनता का आभार भी जताया। भाइयों बहनों, आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं बात चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। पौधारोपण अभियान पर सीएम यादव ने भी खुशी जताई। बोले, इंदौर जो करता है अलग हटकर करता है, शहर की पूरे देश में पहचान है। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर में पौधारोपण का अभियान चल रहा है। इंदौर जो करता है अलग हटके ही करता है, इसी के कारण से इंदौर की अपनी पूरे देश में एक विशेष पहचान है। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के इस स्थान पर जब पौधारोपण करके हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं दी, कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा मिलेगा। उन्होंने एमपी में नई शिक्षा नीति की शुरुआत पर खुशी भी जाहिर की। आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। गृह मंत्री के कार्यक्रम के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी के पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पत्र पढ़कर वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने अपने पत्र में पौधारोपण अभियान पर खुशी जाहिर की थी और अभियान के लिए कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की थी। तो इंदौर अब पौधारोपण में कीर्तिमान रचने वाला है, 11 लाख पौधे रोपकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अभियान की तारीफ कर रहे हैं। इंदौर अब हरियाली के लिए भी पूरे देश में जाना जाएगा। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।